नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि देखिए एक्चुअली देखा जाए तो LIC का IPO ऑलमोस्ट मतलब ओपन कर दिया गया है। तो जितने सारे दोस्त LIC के IPO के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए तो पहले से एक खुशखबरी था। तो अभी आज के दिन एक मैं इम्पोर्टेंट इसके ऊपर नोटिस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके मतलब इस IPO के ऊपर निवेश करके अच्छा खासा पैसा कमाने का एक सोच रहे थे, तो मुझे लगता है थोड़ा सा अभी उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो कुछ गवर्नमेंट ने कुछ नया पॉलिसीज लेके आए और गवर्नमेंट ने कुछ नया रूल्स लेके आए, तो इसी के कारण के बेसिस से तो स्टॉक मार्केट में 2 दिन से गिरावट हो रहा है। कल भी जबरदस्त गिरावट हुआ था, करीबन 2-2.5% निफ्टी गिरावट हुआ था। और आज के दिन भी पॉजिटिव ओपन होने के बाद भी मार्केट नेगेटिव में जाकर क्लोजिंग हुआ। तो मतलब इस तरीके से टाइम पीरियड में देखिए, इस तरीके से टाइम पीरियड में IPO आना, कोई भी कंपनी का IPO आना खतरे से कम नहीं, क्योंकि क्योंकि इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा खतरा रहता है IPO के ऊपर। कोई भी IPO आए उसमें सबसे ज्यादा खतरा इसी टाइम पीरियड में होते हैं। तो चलो उसी के बारे में बात करूंगा, क्यों मैं खतरा बोल रहा हूँ और क्यों LIC IPO के ऊपर इतना मतलब दिग्गज इन्वेस्टर और दिग्गज एनालिसिस टीम ने इस तरीके से कुछ बातचीत कर रहे हैं, क्यों बातचीत कर रहे हैं, चलो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को मैं देखता रहता हूँ कि मेरे वीडियो को आपको तो पसंद तो आते हैं, तो आप कंटिन्यू देखते भी है। तो प्लीज आप शेयर मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस मतलब चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं जरूर कहूंगा LIC का जो IPO के ऊपर, देखिए LIC का IPO का जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत बहुत तेजी से हो रहा है। देखिए सब्सक्रिप्शन बहुत तेजी से हो रहा है। देखिए मैं ऑब्वियसली जरूर कहूंगा LIC का जो IPO, जितने बार इस LIC का IPO के ऊपर मैं वीडियो आपको बना के दिया, मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ। क्योंकि देखिए सिर्फ मैं खुद पॉजिटिव हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगा, मैं इस तरीके से बात कर चुका आपके सामने, ऐसे नहीं है। दिग्गज इंस्टीट्यूशन एनालिसिस टीम, उन्होंने उनका भी यही कहना है कि LIC IPO जो इंडिया के सबसे बड़ा IPO यहाँ पे आया है, उसी IPO के ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिल सकता है। देखिए कैसा होगा ना होगा वो किसी के हाथ में नहीं। हाँ, एक अंदाजा लगा जाता है कि कंपनी के ऊपर कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, कितना लोग एग्रेसिवली इसके ऊपर मतलब IPO के लिए अप्लाई किया है, उसके ऊपर आपको पता चल जाता है कि हाँ कंपनी किस तरीके से लिस्टिंग हो सकते हैं। तो अभी तो देखा जाए तो आज सेकेंड डे है IPO के मतलब यहाँ पे खरीदारी करने का। तो यहाँ पे LIC का IPO आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि 83% तक सब्सक्रिप्शन हो गया। और देखिए यहाँ पे डे 2 में मतलब आज के 2 दिन हो रहा है, तो पॉलिसी होल्डर और साथ ही साथ इसका जो एम्प्लॉयज है उसके लिए तो डिस्काउंट रहेगा, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो इस LIC IPO में अच्छा खासा लिस्टिंग गेन होगा क्या नहीं होगा उसके ऊपर डिपेंड करते हैं पिछले दिनों में गवर्नमेंट ने जो न्यूज पब्लिश किया। गवर्नमेंट मतलब RBI, तो RBI ने एक नया न्यूज पब्लिश किया जो सबसे बड़ा खतरा यहाँ पे बन चुके हैं। तो चलो उसी के ऊपर डिटेल्स में बात करता हूँ। तो कौन सा वो न्यूज है आप सभी जानते हैं, आप पिछले दिनों में ही बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया सर स्टॉक मार्केट क्यों गिरा। देखिए उसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाया, माफी चाहता हूँ। तो आज थोड़ा सा उसके ऊपर मतलब एक डिटेल्स वीडियो में आपको बना दे रहा हूँ, तो इस वीडियो के माध्यम से ही आपको डेटा क्लियर हो जाएगा कल स्टॉक मार्केट क्यों गिरा और फ्यूचर में इस तरीके से गिरावट और भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो चलो आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने पिछले दिनों में क्या लेके आया, रेपो रेट क्या लेके आया, मतलब लेके नहीं आया, तो कंपनी ने मतलब गवर्नमेंट ने RBI ने क्या पॉलिसी लेके आया, रेपो रेट हाइक करने का, हाइक मतलब बढ़ाने का। जो पहले 4% रेपो रेट था, अभी वो उसको बढ़ा के कितना बना, 4.40%। आप कहेंगे सर ओनली तो 0.40% ही बढ़ा है, इसमें क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए 4% तो बहुत बड़ी अमाउंट है,
अगर पॉइंट 04% भी बढ़ जाते ना, वो भी बहुत बड़ा होते, और यहाँ पे तो 0.40% बढ़ चुके हैं, मतलब कितना बड़ा होगा आप एक बार समझ लीजिए। तो रेपो रेट क्या है, चलो उसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेता हूँ। तो मैं एक आपको यहाँ पे एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन मतलब मैं खुद के प्रेजेंटेशन बना के आपको दूंगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान में समझना तभी आपको पता चलेगा। देखिए मान के चलिए बैंक, यहाँ पे मैं बी लिखना चाहता हूँ बैंक, और यहाँ पे लिखना चाहता हूँ आरबीआई। तो आरबीआई यहाँ पे बैंक है और यहाँ पे कस्टमर, मतलब हम आप और हम इस तरीके से यहाँ पे सभी कस्टमर होते हैं। तो मान के चलिए आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब कस्टमर एक बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो लोन कहाँ से लेंगे, बैंकिंग से। तो बैंकिंग से लोन लेंगे तो चलो अराउंड मैं मानता हूँ मतलब 10%, एक मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ, 10% इंटरेस्ट लेकर वो लोन लिया, कितना भी लोन लिया, जितना भी लोन चाहे वो बैंक से लिया, लोन जितना बैंक सैंक्शन किया उतना लोन लिया। तो 10% लोन तो लिया, 10% इंटरेस्ट से तो लोन तो लिया, मगर इतना इतना तो ठीक ठाक था। मगर आरबीआई ने क्या किया, पिछले दिनों में जो पॉलिसी नया निकल के आया, 4% से 4.40% का यहाँ पे रेपो रेट बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या है, रेपो रेट किसके ऊपर लगते हैं, बैंकिंग के ऊपर। इसका मतलब बैंकिंग के, जैसे हमारा हम किससे लोन लेते हैं, बैंक से, और बैंक कहाँ से लोन लेते हैं, आरबीआई से। आरबीआई से लोन लेके वो लोन हमको देते हैं और ज्यादा इंटरेस्ट चार्जेस करते हैं, तो उससे बैंकिंग का प्रॉफिट होते हैं। तो रेपो रेट आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट यहाँ पे बढ़ा दिया, 4% से बढ़ा के 4.40% कर दिया। इसका मतलब आरबीआई ने तो परसेंटेज बढ़ा दिया, उसका उसका जो इंटरेस्ट है वो तो बढ़ा दिया। तो बैंकिंग क्या खुद का मतलब जेब से पैसा देंगे, नहीं ना, वो क्या करेंगे, जितने सारे लोग लोन लेके रखा है उसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। मतलब मान के चलिए 10% इंटरेस्ट था, अभी एक अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, वो 12% कर दिया। इसका मतलब 2% तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा ना, तो यही सबसे इम्पैक्ट ज्यादा है। इसका कारण है, एक्चुअली रेपो रेट बढ़ाने का जो मेन कारण है इन्फ्लुएंसी। तो आप सभी जानते हैं महंगाई कितना कितना बढ़ चुके हैं, और इंडिया में तो महंगाई इतना बढ़ चुके हैं जिसके कारण गवर्नमेंट इस तरीके से मतलब काम अगर नहीं करेंगे तो महंगाई और भी बढ़ जाएंगे। तो देखिए बहुत सारे दो तरीके से लोग होते हैं, एक तो आम पब्लिक और दूसरा मतलब पैसे वाला। तो पैसे वाला के पास बहुत पैसा होता है, हम मतलब जो मिडिल कास्ट होते हैं उसके पास उतना पैसा नहीं होता, तो वो मतलब सोच समझ के काम करते हैं, मतलब सोच समझ के खर्चा करते हैं। मगर जितने सारे मतलब पैसे वाला लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज्यादातर कितना कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए वो ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार है। तो इसीलिए हाई प्राइस हो गया, मतलब मान के चलिए एक प्रोडक्ट के दाम 1 लाख रुपया है, वो आप तो खरीद नहीं पाएंगे, आप खरीदना मतलब खरीद पाते, मगर जो पैसे वाला लोग है वो क्या करेंगे, वो बोल रहे हैं कि मुझे 1 लाख नहीं, मुझे मैं 1,20,000 रुपया दूंगा, मुझे माल दे दो। तो इसका मतलब क्या है, उसका पैसा है, वो माल लेने के लिए तैयार है। इसका मतलब यहाँ पे प्राइस अर्निंग बढ़ चुके, मतलब कंपनी का सॉरी इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ चुके हैं। इसी के कारण आरबीआई ने इस तरीके से पॉलिसीज यहाँ पे लेके आया। देखिए मैं मेरे प्रेजेंटेशन शायद खराब हो चुके हैं, तो मैं आपको आशा करता हूँ थोड़ा सा समझ में आ गया। तो इस पॉलिसीज के कारण स्टॉक मार्केट में क्यों गिरावट हुआ, देखिए जब इस तरीके से जब पॉलिसीज लेके आते हैं, मतलब जब रेपो रेट बढ़ते हैं, उसके कारण क्या होते हैं, जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं, और बहुत सारे मतलब बैंकिंग जो डिपॉजिट होते हैं उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इसका मतलब आप समझिए, आप लोग कहेंगे मैं शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करूं, मुझे तो एफडी में ही रिस्क फ्री में इंटरेस्ट ज्यादा मिला है। मान के चलिए मुझे यहाँ पे 5% पहले मिलता था, अभी 5.5% मिलेगा, इसका मतलब मुझे थोड़ा सा तो पैसा ज्यादा मिलेगा ना रिस्क लेकर, तो मैं स्टॉक मार्केट में इतना रिस्क लेकर क्यों निवेश करूं। तो इसीलिए लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्टॉक मार्केट से माल बेच रहा है, इसीलिए स्टॉक जबरदस्त गिरावट हो रहा है। और इसी टाइम अगर कोई भी आईपीओ आए तो वो आईपीओ के ऊपर निवेश करने के ऊपर भी कतराएंगे। तो इसी के कारण मैं बता रहा था कि
ये जो आरबीआई ने जो पॉलिसीज लेके आया रेपो रेट फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, यहाँ पे देखिए फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टर के बेनिफिट्स के ऊपर, तो ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत खतरा है, क्योंकि जितने सारे लोन ईएमआई के ऊपर बहुत चार्जेस बनने वाले हैं, तो स्टॉक मार्केट से लोग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे वो भी सेफेस्ट जोन में, वो भी एफडी जैसे। तो यही मैं बात आपको समझाना चाहता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में कब रहना है, कब निकल जाना है, कब आपको स्टिकली हैंडल करना है। इस तरीके से बात आपके दिमाग में जब तक ना घुसे, तब तक आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएंगे। मेरे कहने का मतलब यही है कि एलआईसी का आईपीओ जरूर आ रहा है, अच्छा खासा लिस्टिंग गेन भी होगा, क्योंकि एनालिसिस्ट का राय यही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक दो दिन गिर गया इसका मतलब स्टॉक मार्केट खत्म नहीं हो जाएगा। इस तरीके से बहुत बार इस तरीके से सिचुएशन आया था। आप लोग कोरोना के सिचुएशन में 50% तक कोई भी स्टॉक 50-60% तक गिरावट हुआ था, और उसके बाद 200-300-400% तक रिटर्न दिया। इसका मतलब आप समझ लीजिए स्टॉक मार्केट कभी भी बंद नहीं होगा, और स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा कंपनी के ऊपर कभी भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो रही बात एलआईसी का, तो एलआईसी का आईपीओ भी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एलआईसी के जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 83%, सॉरी माफी चाहता हूँ, तो 83% यहाँ पे सब्सक्रिप्शन से 2 दिन में हो गया। इसका मतलब आप समझ लीजिए लोग कितना चाहते हैं एलआईसी के आईपीओ के ऊपर निवेश करना। तो मुझे लगता है इस तरीके से बहुत सारे आपको डेटा आपको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है एलआईसी आईपीओ में अच्छा खासा लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिल सकता है, और चलो देख लेते हैं लिस्टिंग गेन के दिन में ही आपको देख पाएंगे किस तरीके से लिस्टिंग गेन होते हैं। तो आप एलआईसी के आईपीओ के ऊपर निवेश कर रहे हैं, मतलब आईपीओ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा, कितना इन्फॉर्मेबल लगा, मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस छोटा वीडियो के ऊपर मैं दे चुका हूँ, क्योंकि डिटेल्स में वीडियो बनाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं जितना छोटा कोशिश किया, तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।